أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم وأنا خياركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جو برائے خواتین انعقاد پذیر ہے الحمدللہ اب تک متعدد اہم بیانات ہو چکے اور مزید ابھی ایک دو اہم بیان باقی ہیں لمبی بات ابھی مجھ کو نہیں کرنی عصر کے بعد باضابطہ ہمارا تفصیلی بیان بھی ہوگا درس حدیث بھی ہوگا اور اس کے بعد مجلس ذکر ہوگی ہم درخواست کریں گے اپنی آئی ہوئی معزز خواتین سے اس مجلس میں ضرور شرکت کر کے جائیں مختصراً عرض یہ ہے اصلاح معاشرہ اصلاح رجال اور افراد میں خواتین کا مقام اور خواتین کی حیثیت مردوں سے بڑی ہوئی ہے خواتین کی ذمہ داریاں مردوں سے کئی گنا زیادہ ہیں ایک جملہ کہاوت مشہور ہے مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی کنبا پڑھا پہلے دوروں میں لوگ اپنی آئندہ زندگی اپنی آئندہ نسل اپنی آئندہ اولادوں کی اصلاح کے لیے صالح عورت کا انتخاب کرتے تھے کہ اگر ایک عورت ہمارے گھر میں صالح آ گئی با اخلاق آ گئی نماز پڑھنے والی آ گئی شریعت پر عمل کرنے والی آ گئی تو ہمارا نہ صرف گھرانہ شاندار ہو جائے گا بلکہ ہماری اگلی نسل بھی شاندار ہو جائے گی ہماری اگلی نسل بھی شاندار ہو جائے گی اور واقعی ایسا ہوا کرتا تھا جب عورتیں جس گھر میں ایسی آ جاتی تھیں پورے خاندان کی کایا پلٹ جاتی تھی پورے خاندان کی ہدایت کا انتظام ہو جاتا تھا عورت کو اللہ نے بہت اعلیٰ صفات عطا کی ہیں دنیا کے بڑے بڑے مسلح پیر عالم جو کسی مرد کی اصلاح نہیں کر سکتے
उसकी अगर बीवी इस्लाह याफ्ता हो तो वो उन उसको सालों में नहीं, दिनों में नहीं, लम्हों में बदल लेती है। अल्लाह ने उसको ऐसे नशेबो फराज अता किए। और हमारे मुआशरे में बहुत सारे बिगाड़ और खराबी की वजह खुद मर्दों से ज्यादा औरतें होती हैं। बहुत सारे हमने खानदान देखे, उन खानदानों में बेपर्दगी नहीं थी, उन खानदानों में आवारगी नहीं थी, बाजारों में जाना नहीं था, उन खानदानों में फहाशी नहीं थी। कोई एक बाहर के खानदान की औरत आई, पूरे खानदान की बूदोबाश बदल गई, शौहर ही नहीं बदला, पूरा खानदान बदल गया। इसलिए इस्लाम ने भी औरत की इस्लाह पर बहुत जोर दिया है। और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात मुझे अभी याद आ रही है, सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशरन निसा, औरतों की जमात, तसद्दकना, सदका किया करो, फइन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार, मैं तुम में से अक्सर को जहन्नमी देख रहा हूं। औरतें चौंक उठी कि सबसे ज्यादा हम क्यों जहन्नम में जाएंगी। अर्ज करने लगी, बिमा या रसूल अल्लाह, किस वजह से या रसूल अल्लाह, में वजह तो बताएं। दो वजह आपने इरशाद फरमाई, इन्न कुन्ना तुकसिर न लान व तकफुर न लाशीर, तुम लानतें बहुत करती हो और शौहरों की नाफरमानियां बहुत करती हो, इन दो वजहों से तुम जहन्नम में ज्यादा जलती मुझे नजर आ रही हो। सदका खुदाई गजब को टालता है, अल्लाह की नाफरमानी को मिटाता है। एक हदीस में आता है, इन सदकत तुत्फी गजब रब व तदफा उमीत तस्सू, सदका अल्लाह के गजब को दूर करता है और बुरी मौत को भी दूर करता है। जो लोग सदका करते हैं, मर्द हूं या औरतें, खुदा उनसे बुरी मौत को टला देते हैं, उनको खात्मा बिल ईमान नसीब होता है। और सदके का जहां हुक्म मर्दों को है, औरतों को कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। इसलिए कि अल्लाह बचाए, गुनाहों के असबाब और गुनाहों की नौईयतें जो मर्दों से लगी हुई होती हैं, औरतों पे ज्यादा हैं। एक हदीस में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से ज्यादा खतरनाक फितना उम्मत के लिए मैं नहीं छोड़ के जा रहा। इसलिए औरत आजमाइश थी, इसको छुपने का, छुपे रहने का हुक्म दिया, पर्दों का हुक्म दिया। औरत की जरा सी झलक बड़ों बड़ों का ईमान को खराब करके रख दे, बड़े बड़े अपने ईमानों के सौदे माज औरत के किसी एक आदत और एक मुस्कराहट पर कुर्बान कर दें। औरत मामूली शय नहीं इंसान को बदलने में। और अगर औरत अच्छाई की तरफ बदल जाए, औरत अच्छाई की तरफ पलट जाए, पूरा घराना, पूरा खानदान, पूरा कुंबा अच्छाई की तरफ पलट जाता है। तो एक फरमाया, तसद्दक न वलो मिन हुलीयी कुन, तुम अपने जेवर से ही क्यों ना हो सदका किया करो। एक सहाबिया को फरमाया, ला तू की फयू का अलैक, तू अपनी डोरी बंद न करके तुझ पर भी अल्लाह का जो रिज़्क़ आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। ला तुहसी फयुहसी अल्लाह अलैक, तू भी गिन गिन के ना खर्च कर, खुदा भी तुझ पर गिन गिन के खर्च करना शुरू कर देंगे। माँ की चीज बेटी इस्तेमाल नहीं करती, वो कहती है मेरी बेटी इस्तेमाल करेगी। सारी सारी जिंदगी जोड़ती रहती हैं, अच्छा ना खुद पहनती हैं, ना इस्तेमाल करती हैं, ना अल्लाह के रास्ते में दिया, ना खुद के इस्तेमाल में आया, अरे आखिरत के हिसाब के लिए संभाल के रखा। बस इससे ज़्यादा और तफसीली बात मैं नहीं करना चाहता इस वक्त, चूँकि हमारी मेहमान बाजी वो तशरीफ़ लाई हुई हैं, वो बयान करेंगी। हर एतवार यहाँ इस्लाही बयान होता है और मजलिस ज़िक्र भी होती है। अहबाब से और हमारी आई हुई माओ बहनों से, अजीज़ात से दरख्वास्त है, कोशिश किया करें उसमें शिरकत किया करें।
ख्वातीन के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। और इंशाल्लाह 6 मार्च को जामिया में ख़त्म बुखारी शरीफ और ख़त्म कुरान शरीफ का भी एक अजीम उशान इज्तिमा है, उसमें भी अहबाब तशरीफ़ लाएंगे। मज़ीद इंशाल्लाह उसका ऐलान होगा और इंशाल्लाह वो दिन का ही इज्तिमा होगा, सुबह से शाम तक होगा। 6 मार्च हफ्ते का दिन बन रहा है। अल्लाह ताला सुनी सुनाई बातों को, कही सुनी बातों को अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बी। वो बाजी जो तशरीफ़ लाई हुई हैं बुज़ुर्ग ख़ातून, उनका बयान शुरू कराएँ और मैं अपनी आई हुई मेहमान ख़वातीन से दरख्वास्त करूँगा कि वह जम कर बैठें। मिलता आखिर में है, हदीस में आता है दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ होता है, तो दुआ में शिरकत किए बग़ैर कोई ख़ातून यहाँ से न जाएं। दुआ में सब कुछ मिल जाता है, तो दुआ का ज़रूर इंतज़ार करें और दुआ के बाद जाएं, और ज़्यादा बेहतर है असर के बाद की जो इस्लाही नशिस्त है, ज़िक्र की मजलिस है, उसमें भी शिरकत फरमाएँ। वमा अलैना।